हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप से बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, आज है थर्सडे और आज के दिन जो है हम घर पर हैं, क्योंकि आज जो है महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। तो महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब बच्चों की भी और मेरी भी तो छुट्टियाँ, आज हम जो है घर पर हैं। तो दोपहर के बज रहे हैं, 1:45 का समय हो रहा है जी। तो आज मैं जो है ना अब इस टाइम अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। दोपहर का समय हो रहा है, अच्छी धूप निकल रही है। तो जी, जैसे कि आपको बताइए कि छुट्टी वाले दिन तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो आज जो है ना मैंने अच्छे से जो है आज मुझे मौका मिल रहा था, तो डीप क्लीनिंग करती हूँ हर छुट्टी पे। आज और ज़्यादा बढ़िया से कर दी, इन बच्चों की अलमारी आज सारी साफ़ कर दी, सारे इनके ड्रॉर खाली करके, दोबारा साफ़ सफाई करके, और फिर सारे जो है सामान उनके जगह व्यवस्थित करके रख दिया है। और घर के भी जो है ना, जो जाले वाले, वैसे तो कम जाले लग रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ना डस्टिंग करी आज अच्छे से। और चिंटू का जो है कैसी हो रखा था अलमारी में, तो अब ये भी जो है निकाल के, ये तो आज चिंटू ने ही इसकी साफ़ सफाई करी, आज इसको इसने चलाया है, और एक दो गाने इस पर अब इसने सिंगिंग की है, आज प्रैक्टिस की है। तो सारा घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा कर चुका हूँ। और ये बच्चे जो है कर रहे हैं लंच, आज इनका लंच भी देर से हो रहा है। तो जी, दोपहर का समय हो रहा है, जैसे दिन तो इस टाइम तक खाना वाना खा लेते हैं हम बच्चे भी और मैं भी, लेकिन छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा देर से उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट लेट होता है, तो फिर सब काम लेट होता चला जाता है। और उस दिन जो है ना कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, साफ़ सफाई के, कपड़े भी धोए हैं, तो कपड़े धो के बाहर फैला दिए हैं। और तो ये बच्चे भी नहाए धोए हैं, मैं भी अपना नहाना धोने के बाद अब फ्री हुई हूँ। तो अब सोचा कि चलो व्लॉग बना लेती हूँ, बच्चे इधर खाना खाने लग रहे हैं। या सारे पेड़ पौधों में मतलब साफ़ सफाई करी है, गमले हटा हटा के पानी वानी दिया, इधर ये सारे कपड़े जो है धो के फैला दिए हैं रस्सी पर, अब ये भी पड़े सूखते रहेंगे। तो मौसम सही हो रहा है, गर्मी है सुबह शाम की, अभी ठंड है, दोपहर में तो भी गर्मी लग रही है बाहर आने पर। ये चिंटू ने चला रखा है टीवी, तो कार्टून भी देखता जा रहा है और खाना भी खाया जा रहा है। तो अब जो है ना मैं भी फ्री हो गई हूँ, मैं भी तो मैं भी जो है ना लंच करके और मैं भी फिर रेस्ट करूँगा थोड़ी देर, और फिर जो है शाम का काम शुरू हो जाएगा। शाम में आज शायद हमें मार्केट जाना पड़ सकता है, क्योंकि अब त्योहारों का समय चल रहा है, तो रोज़ाना कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना। तो आज शायद शाम में जाएंगे और फिर कुछ शॉपिंग करके लेके आती हूँ। देखिए जी, अभी मैंने आपको बताया था कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, खाना वाना खा के हम बैठ गए थे, और बच्चों के पापा की आज ड्यूटी थी, क्योंकि आज इनके हॉस्पिटल में महर्षि वाल्मीकि जयंती का फंक्शन था। तो जी अभी आ गए हैं, अभी अभी हॉस्पिटल से आया, फंक्शन था हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था फंक्शन, हो गया था, दिखाएंगे आपको क्या क्या हुआ था। तो अभी आ गए हैं, तो अभी ना पानी वानी देके अब चाय बना रही हूँ, क्योंकि अब हमारा चाय का समय हो गया है। आज थोड़ी और जल्दी बना के पी रहे हैं, क्योंकि फिर हमें बाहर गए कुछ काम है। तो मैं किचन में जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर बैठ के हम चाय पियेंगे और फिर चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। और चिंटू बैठ गया है उधर। चिंटू क्या करेगा बेटा तू? म्यूजिक का दोबारा से प्रैक्टिस करूँगा। आज का कर दिया ना, ये इसने साफ कर दिया कैसी हो, और फिर अब इसने थोड़ी देर बजाएगा, सिंगिंग करी दी। तो जब मैं चल देती हूँ किचन में चाय बनाने की तैयारी कर लूँ, फिर चाय पी लिया, फिर जो है ना बाहर के काम है फिर वो निपटाएंगे, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, तो फिर शाम के कई काम हो जाते हैं। ये चाय उबल गई है, अब इसमें दूध डाल देती हूँ। ये चाय अच्छे से पक चुकी है, बंद कर दी थी गैस 5 मिनट, तो और अच्छे से बन गई। अब इसको गैस करके बंद छान लेती हूँ अब चाय। पहुँच गए हैं आज हॉस्पिटल में, वाल्मीकि जयंती वाले दिन फंक्शन है हमारे हॉस्पिटल में आज, छोटा सा वाल्मीकि जयंती का, उसके उपलक्ष्य में सारे बुला रखे हैं जो ऑफिस का स्टाफ अपना, धीरे धीरे सभी आने शुरू हो गए हैं।
जी पहुँच गए हैं वाल्मीकि महाराज भगवान की तस्वीर के पास। गाइस शाम का समय हो गया है, अब जो है ना हम बाहर जा रहे हैं, मैं और चिंटू कुछ जो है बाहर के एक दो जरूरी काम करने हैं और चिंटू को घूम के भी आना है इवनिंग वॉक के लिए। तो चलो चिंटू, हैं होगा शाम का जो है ना 5:45 का समय हो रहा है, तो थोड़ा बहुत जो है दूध वगैरह लेके आना है, छोटा मोटा और एक आधे काम निपटा के आने हैं और वॉक कर ही आएंगे। तो चिंटू ने तो पहन लिया अपने जूते, चिंटू तो हो गया है रेडी। तो कल जो है हम मार्केट गए थे, तो अब त्यौहार आने लग रहे हैं और संडे को करवा चौथ का त्यौहार है, तो करवा चौथ के जो है व्रत के लिए मैं अपने सूट खरीद कर लाई हूँ। खरीद के क्या लाई हूँ, मुझे गिफ्ट मिले, एक मेरी सासू माँ ने दिलाया, एक मेरे पति देव ने दिलाया। ये देखिए मैं आपको अपने सूट दिखाती हूँ। एक सूट तो ये रहा, ये पिंक कलर का सूट है, तो मैं आपको सूट दिखाती हूँ कैसा सूट है। तो एक तो ये सूट ले लिया मैंने, तो ये सूट है एक तो, और एक सूट हो रहा है दूसरा सूट भी दिखा देती हूँ। एक सूट है रेड कलर का, ये देखिए। तो मैं ये सूट जो है ना टेलर के यहाँ डालने के लिए जा रही हूँ, सिल के दे देगा। अब जब देखो कि कब सिल के देते हैं टेलर, क्योंकि इस टाइम में जो है ना उनके ऊपर काफ़ी बर्डन हुआ रहता है कपड़े सिलने का, तो मैं इनको जो है ना डालने के लिए जा रही हूँ टेलर के। हम आ गए हैं सोसाइटी में, पार्क में इवनिंग वॉक के लिए। चिंटू हमारे से पहला आ गया था, तो वो खेल रहा होगा, हम उसके पास जा रहे हैं चिंटू के। अरे अरे अरे। ये चिंटू तो इधर एक्सरसाइज कर रहा है, ऐसा गेम भी हो रहा है एक्सरसाइज भी हो रही है। अब दिन छिप गया है, तो जो बच्चे और बड़े अब घूम के जा चुके हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम था तो वो काम करने में लग गए और चिंटू आ गया था पार्क में खेलने के लिए, तो अब जो है ना अंधेरा होने लग गया। अब हम चिंटू को लेकर जा रहे हैं, इसका मन नहीं करेगा अभी जाने का, पूछती हूँ चिंटू चले भाई घर। यहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, अबे झूला झूलने लग गया चिंटू तो। चिंटू आ जा भाई, चलो घर चल रहे हैं, रात हो गई। ये सामान ले आए हैं, दूध ले आए हैं, बच्चे अपने लिए चिप्स कुरकुरे ले आए हैं। तो जब 7 बजे बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि अब करती हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में जो है ना आल की प्याज और मटर और आलू,
ये तीनों चीज़ मिला कर सब्जी बनाऊँगी तरीदार से, क्योंकि इन बच्चों को थोड़ी पतली सब्जी अच्छी लगती है, हल्की प्याज ही। तो अब सब्जी वब्जी काटने छीलने में लग जाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। अभी आल की प्याज और मटर छील लेती हूँ। मटर दोनों मिक्स करके और साथ में अच्छी है, हरी हरी सी चिंटू की फेवरेट सब्जी है। छीलने पार्ट में सारी सब्जी मैंने काट के रख दी है, और अब मैं जो है ना किचन में लग जाती हूँ खाना बनाने की तैयारी में। सब जो है मैंने तैयारी कर ली है सारी सब्जी की, आलू काट दिए हैं, प्याज टमाटर सब काट दिए हैं। तो एक तरफ दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है। अब तेल गर्म होने वाला है, हो गया है। अब डाल देती हूँ इसमें मिर्च मसाले, और ये आलू काट दिए, इधर ये सारी सब्जी जो धो दी है, टमाटर कट गए हैं, तेल गरम हो गया। अब जीरा डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो आज जीरे में बनाऊंगी सब्जी, क्योंकि आल की प्याज है तो इसलिए प्याज वैसे अलग से काट के फ्राई नहीं करूंगी, क्योंकि ये भी प्याज ही आल की प्याज की सब्जी बना रही, तो ये डालती हूँ अब इसमें। अभी आलू डाल देती हूँ, प्याज और मटर फ्राई हो गए हैं, और थोड़ी सी देर आलू और फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद डालूँगी टमाटर। थोड़ा नमक डाल दिया है मैंने इसमें। आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया प्याज और मटर के साथ। अब इसमें डाल देती हूँ टमाटर। अगर थोड़े से देर में टमाटर भी अच्छे से सब भुन जाएंगे, और फिर इसमें मिर्च मसाले डाल के और मसाले डाल देंगे। तो थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, तो थोड़ी सी कसूरी मेथी ये भी फ्राई कर लूंगी इसमें, थोड़ी भुन जाएगी इसलिए अच्छी आते हैं सब्जी में। इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले, नमक पहले ऑलरेडी मैं डाल चुकी, थोड़ा सा और डाल दूंगी, और ये रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया मैंने डाल दिया था, मैंने जीरा डाला था। ज्यादा गर्म मसाले मैं इसमें डालूंगी नहीं, क्योंकि मैं गर्म मसाले बहुत कम डालती हूँ सब्जी में, सिंपल नमक मिर्च हल्दी यही डालूंगी। अभी अच्छे से जो है ना भुन गया मसाला भी, अब मैं डाल देती हूँ इसमें पानी। हम इसको
पकने के लिए रख देती हूँ, जब इसमें उबाल आएगा ना गैस बंद कर दूंगी। ये आटा गूंद दिया है और यह सब्जी जो है बन चुकी है। बनकर तैयार हो गया सब्जी, इसमें हरा धनिया काट के और डाल दूंगी। आलू भी गल गए हैं अच्छे से। अब इसके नीचे गैस कर देती हूँ बंद और अब रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये रोटी बनके हो गई है सारी तैयार, अब इनमें घी लगा कर रख देती हूँ और सारी किचन साफ कर देती हूँ। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।